राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3500 को पार कर गया है, जबकि भागलपुर जिले में 150 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। हालांकि एक ओर जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो चुकी है। शुक्रवार को जिले में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की पुष्टि हुई थी। इतनी संख्या में पहली बार भागलपुर में कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सभी मरीज भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से पाए गए हैं। बिहार में अब तक 21 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। भागलपुर में 4 दर्जन से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। गौरतलब हो कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के बाद भागलपुर समेत पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5 गुना तेजी से बढ़ गई है। एक तरफ राशन कार्ड से वंचित परिवार नए राशन कार्ड और राशन मिलने की उम्मीद में लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद भी कुछ डीलर राशन कार्ड धारकों को अनाज देने में मनमानी कर रहे हैं। भागलपुर के कई वार्डों में डीलरों की मनमानी से लाभुकों को काफी परेशानी हो रही है। शनिवार को नगर निगम के डिप्टी मेयर ने जनता की शिकायत पर खुद अपने ही वार्ड के डीलर संजय कुमार साह को जमकर फटकार लगाई और लाभुकों को परेशान नहीं करने की चेतावनी दी। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन को कई बार डीलरों द्वारा अनाज देने में अनियमितता बरतने की शिकायत की गई है, फिर भी संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 के प्रकाश कुमार ने भी नाथनगर के डीलर बालकृष्ण यादव पर अनाज नहीं देने का आरोप लगाया है। इधर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने डीलरों की आनाकानी और अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शहर के लोग जनता हेल्पलाइन नंबर 800-2093888 पर संपर्क कर डीलरों की मनमानी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं प्रकाश कुमार वार्ड नंबर 6 की निवासी हूँ। मेरा कार्डधारी सचिवाला देवी है, जो उस दिन तक अनाज हमको मिला, और मेरा डीलर बालकृष्ण यादव है जो पश्चिनाथ झालन के रहने वाले हैं, वो उन्होंने मेरा अनाज देने से बंद कर दिया। जब हम कहे क्यों बंद कर दिए, तो बोलते हैं कि आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है, रिजेक्ट हो गया, जो एमओ साहब से मिली है। अब जो है एमओ साहब बोलते हैं कि ये तो रद्द हो गया, रद्द क्यों हुआ इसका तो बताने के लिए तैयार नहीं है वो। देखिए, इसके लिए कई बार लिखित तौर पर शिकायत दी जा चुकी है, जिला प्रशासन के पूरी तरीके से संज्ञान में है ये बात कि बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जो कि नियमानुकूल कार्य नहीं कर रहे। जब एक तो ऐसे ही लोग परेशान हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो नए राशन कार्ड बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि उनका नया राशन कार्ड बन जाए। दूसरी ओर वैसे लोग परेशान हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, उनको डीलर कभी राशन नहीं होने की बात कहकर लौटा दे रहा है। एक नंबर दिया है हमने, जो कि हमारे ही सभी लोग युवा साथियों के बीच का एक नंबर है, जिसके माध्यम से लगातार लोग ये बता भी रहे हैं जिनका कागजी कार्य पूर्ण है, उसके बावजूद उनको नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग अब आगे यही रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से उन सभी लोगों को हम लोग राशन दिलाने का काम करें और जो भी ऐसे डीलर हैं उन तक पहुँचने का काम करें। लॉकडाउन में राजस्व बढ़ाने के लिए भागलपुर नगर निगम प्रशासन ऑनलाइन टैक्स लेने के साथ डोर टू डोर टैक्स वसूली की व्यवस्था में जुट गया है। दरअसल सरकार के निर्देश पर फिलहाल नगर निगम में टैक्स वसूली का कार्य बंद है। निगम के कर शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि लॉकडाउन में निगम को 75,000 होल्डिंग से लगभग 5 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई है। वहीं नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने कहा कि जनता के आग्रह पर निगम में टैक्स वसूली का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते हम लोग टैक्स कलेक्शन थोड़ा बंद करके रखे थे यहाँ पे, लेकिन अभी टैक्स कलेक्शन शुरू होगा। और 2 टाइप ऑफ टैक्स कलेक्शन हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। एक तो मैनुअल टैक्स कलेक्शन है, जो पहले भी थे, जो हमारे टैक्स कलेक्टर वार्ड जाके वहाँ पे फिजिकली टैक्स को कलेक्ट करेगा। नंबर 2, अभी क्योंकि ट्रेंड अभी डिफरेंट हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ नॉर्म, हम लोग ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के लिए भी अभी सोच रहे हैं और प्लानिंग भी चल रहा है। एक्चुअली हमारे टैक्स कलेक्टर वार्ड जाके वहीं पे डोर टू डोर कलेक्शन करेगा टैक्सेस को, जो पहले भी थे। अभी एक टोल फ्री नंबर भी हम लोग रिलीज़ करेंगे कल परसों, मीडिया बंदों को रिलीज़ करेंगे, और उससे भी वो लोग आके यहाँ पे टैक्स जमा कर सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रतिदिन भागलपुर के प्रधान डाकघर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए डाक विभाग अपने कर्मियों के साथ आम लोगों की भी थर्मल स्क्रीनिंग करा रहा है। इधर डाकघर में लगने वाली भीड़ का शहर के कुछ कैफे संचालक जमकर फायदा उठाने में लगे हैं। प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने बताया कि जल्दबाजी में कुछ लोग शैवर कैफे में जाकर खाता खुलवा रहे हैं, जो सही नहीं है। पोस्टमास्टर ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने आम लोगों से खाता खुलवाने के लिए सीधे पोस्ट ऑफिस से संपर्क करने की अपील की है। साथ ही पोस्टमास्टर ने कहा कि जो लोग खाता खोलने के नाम पर ठगी या फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, डाकघर लैपटॉप से खाता नहीं खोलता है। ई KYC अभी हम लोग लॉकडाउन के बाद ही ले सकेंगे, अर्थात इस स्पष्ट है कि जो कैफे में जाके खुला रहे हैं या कोई लैपटॉप से जाकर के खोल रहा है तो वह व्यक्ति किसी न किसी रूप से आपसे गलती बता करके कि डाकघर के एजेंट हैं या कुछ बता करके खोल रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। जब भी लोग खाता खुलाएं, हमारी जनता से, हमारे डाककर्मी से खुलाएं और फंडिंग अकाउंट के लिए मात्र 100 रुपया लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेते हैं। अगर कहीं भी कोई भी एक भी पैसा अधिक लेते हैं तो आप उसकी शिकायत हम तक पहुंचाएं। हरियाणा के रोहतक से प्रवासी मजदूरों को लेकर शनिवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के भागलपुर स्टेशन पहुंचने पर आवश्यक औपचारिकता को पूरा कर मेडिकल टीम द्वारा बारी बारी से सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई और जिला प्रशासन द्वारा अल्पाहार भी दिया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सभी श्रमिकों को कतारबद्ध तरीके से बस तक पहुँचाया गया, जिसके बाद सभी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। हालांकि दूसरे जिलों के श्रमिकों को उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पूर्व कोरोना संक्रमण को देखते हुए बसों को सैनिटाइज किया गया। गौरतलब हो कि केंद्र एवं राज्य सरकार की पहल पर शुरू किए गए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे कई लोग सफर के दौरान बीमारी या फिर मृत्यु के भी शिकार हो चुके हैं। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन दार कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है।
क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है? जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गरीब एवं असहाय लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचने लगे हैं। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों एवं जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन अधिकतर योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रहा है। ताज़ा मामला नवगछिया बीपुर के भ्रमरपुर का है, जहाँ के नेत्रहीन श्रवण कुमार ने आर्थिक तंगी के कारण कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को फोन कर अपनी समस्या सुनाई और खाने पीने की सामग्री के बिना कई दिनों से भूखे होने की बात कही। श्रवण कुमार ने कहा कि भूखमरी के कारण पत्नी बच्चे के साथ मायके चली गई है। प्रियंका गांधी ने असहाय नेत्रहीन श्रवण की बात सुनकर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा को मामले की जानकारी दी और अविलंब नेत्रहीन के परिवार को खाद्य सामग्री एवं आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अपनी पत्नी विभा शर्मा के साथ श्रवण के घर भ्रमरपुर पहुंचे और नेत्रहीन श्रवण के परिवारों को 2 माह का राशन और आर्थिक मदद दी। विधायक अजीत शर्मा ने सरकार एवं जिला प्रशासन पर जरूरतमंदों की अनदेखी और लापरवाही करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी से बात हुई जी, क्या बोले थे? बोले थे सब मदद मिलेगा। क्या मिला? सब चीज मिले, 2000 रुपया अभी तुरंत मिला। अभी कौन आए हैं देने के लिए? अभी अभी आया था वो, अभी कौन विधायक जी? कौन विधायक जी? अजीत शर्मा जी। सर हम भूल जाते हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। प्रियंका गांधी जी ने हमारे AICC सेक्रेटरी राठौर जी को फ़ोन किया, राठौर जी ने मुझे फ़ोन किया कि भ्रमरपुर गांव में, चूँकि ये बीहपुर विधानसभा में पड़ता है, मेरे विधानसभा के अंतर्गत नहीं है, भागलपुर के अंतर्गत, उन्होंने सूचना दिया कि आप वहां जाके देखिए। एक श्रवण कुमार का आदमी है जो आँख से अंधे हैं, तो मैं आके यहां देखा तो सचमुच ये दिक्कत में है। और हम 1 महीने का राशन, चावल, आटा, चूड़ा, आलू और खाना भी, चूँकि हमें वहाँ सूचना था भूखे रह रहे हैं, जैसा इन्होंने भी कहा कि बीवी बच्चे भूखे हैं, तो मैंने खाना भी बनवा के लाया। और भ्रमरपुर गांव बहुत बड़ा गांव है, तो यह दिखाता है कि सरकार बिल्कुल, जो उनके पदाधिकारी अधीनस्थ हैं, वो गरीबों की खोज नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों को अनाज सही ढंग से नहीं मिल रहा है। यह दर्शाता है कि सरकार के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे। प्रशासन को कहाँ देखते हैं? प्रशासन कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब बोलिए, इनके पास कोई प्रशासन आया आपके पास पूछने? BDO, CO, DM, कोई गरीबों का सर्वे नहीं किया गया सही ढंग से। बांका के बौसी से एक अल्ट्रासाउंड सेंटर द्वारा गर्भवती महिला की गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने का मामला सामने आया है। दरअसल बौसी स्थित श्रीराम अल्ट्रासाउंड में एक गर्भवती महिला ने अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन सेंटर के द्वारा महिला को गलत रिपोर्ट देकर मिस्ड अबॉर्शन की बात कही गई। रिपोर्ट से आहत महिला बौसी रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आरके सिंह के निजी क्लिनिक पहुंची, जहां डॉक्टर आरके सिंह ने महिला का गर्भपात कर दिया। रिपोर्ट की गड़बड़ी का मामला तब सामने आया जब अबॉर्शन के बाद भी महिला को पुनः पेट में दर्द शुरू हुआ। इसके बाद महिला ने भागलपुर की डॉक्टर अर्चना शर्मा से मिलकर अपनी रिपोर्ट के साथ सारी समस्याएं बताई। डॉक्टर अर्चना शर्मा के कहने पर महिला ने पुनः अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें महिला के गर्भ में बच्चा होने की बात सामने आई। महिला के गर्भ में 3 माह 5 दिन का बच्चा होने की रिपोर्ट आते ही पूर्व के रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब दूसरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में महिला के गर्भ में 3 माह का बच्चा सुरक्षित होने की पुष्टि हो गई, तो चंद दिनों पहले कराए गए अल्ट्रासाउंड जांच में श्रीराम अल्ट्रासाउंड ने मिस्ड अबॉर्शन की रिपोर्ट कैसे दे दी। बात इतनी सी ही नहीं है, सवाल यह भी है कि जब महिला के गर्भ में बच्चा मौजूद है, तो आखिर डॉक्टर आरके सिंह ने कैसे और क्यों गर्भपात कर दिया।
पीड़ित महिला ने अल्ट्रासाउंड संचालक डॉक्टर आर के सिंह पर लापरवाही एवं अपनी जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। डेढ़ महीने से प्रेग्नेंट थे तो 6 अप्रैल को मेरा तबीयत खराब हुआ तो हम गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। यहाँ उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, कहीं और जाने का कोई नहीं था साधन, तो यही अल्ट्रासाउंड कराने के लिए श्री राम मेडिकल का जो है वहीं पे गए। क्या नाम अल्ट्रासाउंड वाले का? श्री राम अल्ट्रासाउंड में गए थे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो वहाँ पे बोला कि रिपोर्ट बना के मिसकैरेज कर दी, मिस ऑबर्सन हो गया है आपका। उसके बाद फिर हम शाम में 6 तारीख को शाम में फिर हम 6 अप्रैल को आर के सिंह के पास दिखाने के लिए गए तो वहाँ सर थे नहीं बैठे हुए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बात किया जाके तो उसने कहा कि नहीं, इनका तो ऑबर्सन कराना होगा। रिपोर्ट दे के उसने यही कहा कि ऑबर्सन कराना होगा। फिर मेरा 7 तारीख को वो हमको बुलाएं, 7 तारीख को गए वहाँ। उसके बाद फिर उसने मेरा हमको बीओसीओस किया, दवाई ववाई दिया और उसके बाद वो मेरा ऑपरेशन करके फिर हमको वो आधे घंटे में बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर जब हमको होश आया तो 2-3 को इंजेक्शन दिए। उसके बाद फिर मेरा घर आया लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं रहने लगा। फिर हम 5 दिन के बाद उनके पास गए तो फिर वो हमको 2-3 को दवाई दिखे, लेकिन फिर भी उसके बाद मेरा हालत और भी ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने के कारण। तब फिर हम भागलपुर चले गए। भागलपुर वहाँ जब हम दिखाने के लिए गए, भागलपुर में कहाँ दिखाए? पल्स हॉस्पिटल में दिखाए, अर्चना शर्मा मैडम है उसी को दिखाए। तो वहाँ जब मेरा 20 मई को दिखाए थे तो वहाँ जब मैडम ने चेक किया तो उसमें वहाँ मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था कि आप प्रेग्नेंट है। उसके बाद मैडम ने जब मैं अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें दिखा रहा था कि आप 3 महीने से प्रेग्नेंट है। जब वो मेरा 7 अप्रैल को जब ऑपरेशन अगर वो उसका कहने का कर दिया तो फिर मेरा 3 महीने का हम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? इसका मतलब है कि डॉक्टर ने बदमाशी किया, मेरा मिसकैरेज हुआ ही नहीं था। जल जीवन हरियाली योजना के तहत भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर भतौड़िया पंचायत में तालाब खुदाई के दौरान संवेदक प्रमोद राय पर लोगों ने मिट्टी बेचने का आरोप लगाया है। नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी से तालाब की खुदाई की जा रही है और ट्रैक्टर से मिट्टी बेचा जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों से सरकारी योजना का कार्य कराए जाने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली देखी जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्राम सेवक से की, जिसके बाद ग्राम सेवक ने डीएम प्रणब कुमार को आवेदन देकर धांधली किए जाने की शिकायत की है। मामले की सूचना मिलते ही नाथनगर सीओ राजेश कुमार एवं मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मामले की पड़ताल करने भतौड़िया पंचायत पहुंचे और तालाब खुदाई कार्य का जायजा लिया। हालांकि सीओ के पहुंचने पर तालाब के समीप मिट्टी लदा ट्रैक्टर नहीं मिला। सीओ राजेश कुमार ने कहा कि भतौड़िया ग्राम के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रमोद कुमार राय पर जेसीबी से तालाब खुदाई करने और ट्रैक्टर से मिट्टी बेचने का आरोप लगाया है, जो काफी गंभीर मामला है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर नाथनगर पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान नरगा निवासी अमित यादव उर्फ बबुआ के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि शुक्रवार की रात आरोपी युवक घर के ही समीप उत्पात मचा रहा था। इसी दौरान गश्ती पर निकले पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भागलपुर घंटाघर स्थित ट्रीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कोविड-19 के बाद अध्यापक शिक्षा चुनौतियों एवं संभावनाएं विषय पर चर्चा की गई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार, पटना विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. ललित कुमार, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय के डीन प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी समेत कई शिक्षाविदों ने सेमिनार में अपनी बात रखी। इस दौरान शिक्षा शास्त्र के विभिन्न आयाम, राष्ट्र एवं मानवता जीवन के परिवर्तन, शिक्षा पद्धति, अनौपचारिक शिक्षा, कोरोना काल में शिक्षक एवं शिक्षा की भूमिका, ऑनलाइन एजुकेशन से बदलती शिक्षण पद्धति समेत कई बिंदुओं पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। इस मौके पर प्रोफेसर अनामिका कुमारी, TTC के प्राचार्य डॉ. कामेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर, प्रोफेसर SC राय, इस्लाम लाल कररिया समेत कई प्रोफेसर एवं शिक्षाविद मौजूद थे।